हेलो क्लास टेंथ। तो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, जिसका आज अंतिम टॉपिक है हमारा मिश्र धातु। ठीक है ना, एक टॉपिक और है इसमें संक्षारण, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं अब दोबारा उसको यहां पर नहीं पढ़ा रहा हूं। आपको पीछे संक्षारण पूरा पढ़ा चुका हूं। ठीक, दो दो जगह आपके यहाँ टॉपिक दिया है, फर्स्ट चैप्टर में भी है और थर्ड चैप्टर में भी है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम संक्षारण पढ़ चुके हैं पूरी तरह, इसलिए यहां उसको छोड़ दें। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है मिश्र धातु, जिसको हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो हम एलॉयज के बारे में पढ़ेंगे कि एलॉय क्या होते हैं। मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं का एक समांगी मिश्रण होती है। यानी हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी जो मिश्रण है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक धातु और अधातु भी हो सकती है, इसलिए हम सेकंड डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि एक धातु व अधातु का समांगी मिश्रण जो होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है ना, तो मिश्र धातु क्या हो सकती है? दो या दो से अधिक धातुओं का एक समांगी मिश्रण हो सकता है। समांगी मिश्रण आप समझ रहे होंगे, कक्षा 9 में हमने पढ़ा है कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें जो घटक है उनका संगठन जो होता है वो सर्वत्र एक समान होता है, सभी जगह बिल्कुल बराबर होता है, यानी कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा नहीं है, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, तो अब हम मिश्र धातुओं के कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जो आपका लोहा है, अगर प्योर आयरन है, शुद्ध लोहा जो होता है वो बहुत ही नर्म होता है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब यह है कि नर्म होता है या वो भंगुर होता है, जो शुद्ध लोहा है। शुद्ध लोहा अत्यधिक नर्म होता है, अत्यधिक नर्म होता है और भंगुर होता है, इसलिए किसी काम का नहीं होता है। ठीक है ना, शुद्ध लोहा अगर हम उसके कोई उपकरण बनाते हैं तो गिरने पर टूट सकते हैं क्योंकि मुलायम होता है। ठीक, और गर्म करने पर फैल जाता है। बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं शुद्ध लोहे के जो मशीनी उपकरण जो हैं वो बनाने में प्रयोग नहीं हो सकते हैं। तो हम करते क्या हैं कि जो शुद्ध लोहा है, शुद्ध जो लोहा है उस शुद्ध लोहे में 0.5% क्या मिला देते हैं, उसमें मिलाते हैं कार्बन। तो शुद्ध लोहे में जब हम 0.5% कार्बन मिला देते हैं तो ये कठोर हो जाता है। ठीक है ना, शुद्ध लोहा बहुत मुलायम होता है या नर्म होता है, जिस कारण आसानी से गर्म करने पर फैल जाता है, इसलिए इसके उपकरण वगैरह नहीं बनाए जा सकते। इसलिए हमेशा जो शुद्ध लोहा होता है उसमें 0.5% कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है ना, कार्बन की मात्रा कम ज्यादा भी हो सकती है, अलग अलग प्रकार के लोहे होते हैं, कक्षा 12 में आप पढ़ेंगे, तो उसमें 0.5% कार्बन मिलाया जाता है, जिससे लोहा क्या होता है, बहुत कठोर हो जाता है। ठीक, तो ये जो अशुद्ध लोहा है, अशुद्ध इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें कार्बन मिल चुका है, इसको एक मिश्र धातु कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक धातु है और दूसरा क्या है, कार्बन अधातु। तो ये जो लोहा जो व्यावसायिक तौर पर प्रयोग किया जाता है वो एक मिश्र धातु है, किसकी, शुद्ध लोहे तथा 0.5% कार्बन की। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, देखो ये फर्स्ट एग्जांपल था आपका शुद्ध सोना। शुद्ध सोना, सोने की शुद्धता को हम किस में मापते हैं, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, क्योंकि सोने की शुद्धता को हम मापते हैं कैरेट में, है ना। तो शुद्ध सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट, और ये काफी मुलायम या नर्म होता है, बहुत ही नर्म होता है, कि अगर हम शुद्ध सोने के आभूषण बनाते हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक उनको रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो मुड़ गया तो उसका पूरा डिजाइन खराब हो जाता है। इसीलिए जो सोना है, शुद्ध सोने में कुछ मात्रा में या तो कॉपर मिला दिया जाता है, कॉपर या सिल्वर मिला दिया जाता है, है ना। तो जैसे अब हमारा जैसे 22 कैरेट सोना है, 22 कैरेट सोना, इसका मतलब क्या है कि 22 भाग इसमें सोना है
और इसमें दो भाग क्या हो गया, या तो कॉपर है या सिल्वर है, ठीक है ना। ऐसे 23 कैरेट अगर है तो उसका मतलब क्या है, 23 भाग हमारा सोना है और एक भाग हमारा या तो कॉपर है या सिल्वर है ना। तीसरा उदाहरण देखो, तीन एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जो सोल्डर होता है, अगर आपने देखा है, अगर कभी किसी उपकरण में तार वगैरह टूट जाता है तो हम जब मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या करता है, सोल्ड करता है उसको, ठीक है ना। उसको हिंदी अंग्रेजी में सोल्डर कहते हैं, हिंदी में उसको नाम देते हैं टाका। ये एक मिश्र धातु है, ये किसकी मिश्र धातु है, सीसा धन, दूसरा होता है टिन, है ना। इन दोनों का एक मिश्रण है, सीसे और टिन का, जो बिजली के तारों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये भी एक प्रकार की मिश्र धातु है, ठीक है। एक एग्जांपल और याद आ रहा है, ये पूछा भी जाता है, जिसको हम अमलगम कहते हैं, याद रखना अमलगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में लगभग बहुत बार पूछा जाता है कि अमलगम क्या होता है। अमलगम को हम एक अलग नाम से भी जाते हैं, इसको नाम दिया जाता है पारद मिश्र, इसका दूसरा नाम होता है पारद मिश्र, अमलगम इसको कहते हैं। सामान्य नाम अमलगम होता है, लेकिन अगर पारद मिश्र इस नाम से आता है तो आप इसको जान सकते हैं। तो अमलगम क्या होता है, मैं इसकी परिभाषा भी लिख देता हूं, यह एक प्रकार की मिश्रित मिश्र धातु होती है, यह एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु होती है जिसमें एक धातु मरकरी होती है, या जिसको हम कहते हैं पारा होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है पारद मिश्र, ठीक है ना। तो अमलगम क्या है, दो धातुओं का मिश्रण है, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहें मेटल ए प्लस मेटल बी, ये दो धातुओं का जो मिश्रण है उसको हम अमलगम कहेंगे। कब, जब एक धातु क्या होगी, मरकरी होगी, दूसरी धातु कुछ भी हो सकती है, जैसे सोडियम है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं NaHg, Na-Hg, इसको क्या कहा जाता है, सोडियम अमलगम, इसको नाम दिया जाता है सोडियम अमलगम। अमलगम क्यों कहा, क्योंकि ये मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है, सोडियम और मरकरी की, तो इसको सोडियम अमलगम कह दिया गया। ऐसे ही यदि मरकरी के साथ दूसरी धातु हमने जिंक मिला दी तो इसको हम नाम देंगे ZnHg, इसको कहते हैं जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। यानी अमलगम दो धातुओं का एक मिश्रण है जिसमें एक धातु क्या होती है, मरकरी होती है, उसको हम अमलगम कहते हैं, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब मिश्र धातुओं के गुण, ये चैप्टर अभी पूरा होने वाला है, मिश्र धातुओं के गुण, मिश्र धातु के गुण क्या क्या गुण होते हैं, तो बहुत सारे गुण हैं, ठीक है ना। मिश्र धातु के गुण हमेशा याद रखना, जैसे हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि मिश्र धातु के गुण, मिश्र धातु के गुण शुद्ध धातु की तुलना में, शुद्ध धातु की तुलना में अच्छे होते हैं। अब अच्छे मतलब बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो, जैसे हमने कहा ना कि शुद्ध धातु बहुत मुलायम होती है, जैसे सोना है, हमने लोहे की बात करी, और जो मिश्र धातु होती है वो बहुत कठोर हो जाती है, थोड़ा कठोर हो जाती है, जिससे उसके उपकरण बनाना आसान होता है, ठीक। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि जो मिश्र धातुएं हैं वो संक्षारण मुक्त होती है, संक्षारण मुक्त होती है, उन पर संक्षारण नहीं होता। तो मिश्र धातुएं संक्षारण मुक्त होती है। तीसरा, जो मिश्र धातु है, मिश्र धातु की विद्युत चालकता कम होती है, विद्युत चालकता कम होती है। ऐसे ही इनका जो गलनांक है, मिश्र धातुओं का गलनांक कम होता है, शुद्ध धातु का गलनांक अधिक होता है, मिश्र धातुओं का गलनांक कम होता है। जैसे विद्युत फ्यूज है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, वो भी एक प्रकार की मिश्र धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, और जैसे ही सर्किट में कोई दिक्कत आती है फ्यूज वायर गल जाता है आसानी से, ठीक। तो ये आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।